हे गाइस, आई एम संगम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन खान मार्केट। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एसए पेपर के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा देना ताकि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स 3 स्टेजेस में होते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम्स एंड इंटरव्यू, जिसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और मेंस में 9 पेपर होते हैं। तो एसए पेपर यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के 9 पेपर में से एक पेपर होता है। इसमें आपको 2 एसेज लिखना रहता है, एक एसे 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना रहता है, 4 टॉपिक्स दिए रहते हैं उसमें से आपको किसी एक टॉपिक को चूज़ करना रहता है। एसे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि एक एसे 125 मार्क्स के होते हैं और फिर दूसरे 125 मार्क्स के, यानी टोटल मिला के हो गए 250 मार्क्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब आप एसे लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, रीड द टॉपिक्स थॉरली, यानी कि आप अपने एसे टॉपिक को थॉरली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आप 4 टॉपिक में से किसी एक को चुनिए और आप जब टॉपिक चुन रहे हो तो ये ध्यान में रखिए कि आप उस टॉपिक को चुनिए जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानते हो और कौन से टॉपिक आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं। तो जैसे कि एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक जैसे कि फेमिनिज्म, ये आपको नहीं चुनने हैं। और दूसरा एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, दृढ़ हो, उसको भी आपको नहीं चुनना है। बिकॉज ऐसे केस में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और जिसके कारण आप एक बैलेंस्ड एसे नहीं लिख पाते हो, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होता है। सेकेंड है, यानी दूसरा, थिंक फॉर सम टाइम, यानी कि आप उस टॉपिक पे थोड़ा देर सोचिए। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से टॉपिक चुना और एकदम से लिखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आप उस पे थोड़ा सा सोचिए, विचारिए उस पे, और फिर रफली आप उसे पेंसिल से लिख सकते हैं जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और जब आप सोच रहे हैं और पॉइंट्स जो आपके दिमाग में उस वक्त आ रहे हैं उसको आप पेंसिल से वहाँ पर नोट कर लीजिए ताकि जब आप लिखो तो सही सीक्वेंस में लिख सकें। क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हो और एंड में जाकर आपने रियलाइज़ करा कि आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छूट गए, आपको पहले लिखना था पर आप एंड में आकर स्टार्टिंग के पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकते बिकॉज स्पेस नहीं रहेगा, आप वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको हेल्प करेगा अगर आपने पॉइंट्स को रफली लिख रखा है। और जब आप ऐसे लिख रहे हो तो आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर में लिखना है। तो आप अच्छा ऐसे कैसे लिखोगे, तो आपको इस स्ट्रक्चर में ऐसे लिखना है। पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, फिर उसके हिस्टोरिकल इवेंट्स, फिर उसके मेन इशू, प्रॉब्लम, सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में आप मेंशन करोगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ करंट न्यूज़ है, करंट सिनेरियो, उस पर आप थोड़ा सा लिखोगे, फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे लिखोगे, उसके बाद देन आप लिखोगे उसके ऑब्स्टिकल्स के बारे में, फिर आप रिफॉर्म्स, करेक्शन, इम्प्रूवमेंट क्या है उसके बारे में लिखोगे आप वहाँ थोड़ा। और आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेगा अगर आपने उसमें कुछ क्वोट्स ऐड करा है जो कि फेमस पर्सनालिटीज़ ने कहा, अगर उन क्वोट्स को आपने वहाँ पर ऐड करा तो ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स दिलाने में हेल्प करेगा। और अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, अगर आपने उसको भी मेंशन करा तो ये भी आपको ब्राउनी पॉइंट दिलाने में हेल्प करेगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं ऐसे जब आप लिख रहे होंगे, तो आपको पर्सनल नहीं होना है अपने ऐसे में, आपको अपने ऐसे में बस
प्रॉब्लम को नहीं दिखाना है, आपको उससे रिलेटेड मतलब कि जो प्रॉब्लम है सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताना, आपको उसके सॉल्यूशन को भी वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करना है। तीसरा, और आपको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको इसकी ज़्यादा आलोचना नहीं करनी है। आप जो इसे लिख रहे हो तो आप ये ध्यान में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एक फ्यूचर ऑफिसर हो, न कि एक जर्नलिस्ट। सो थैंक यू गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यूपीएससी के लिए नोट्स चाहिए तो आप ऑनलाइन खान मार्केट .com पे विज़िट करिए, यहाँ आपको यूपीएससी के सारे नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ आपको हर एक टॉपिक पे एसेज भी मिल जाएंगे।